एनसीवी में रेवेन्यू के शेयर है, कोविड के टाइम पे लिए थे, तो 2.5 साल हो गए जी, तो 23,700 है, 22.7 का वाइंग है मेरा, उसमें बीच में प्रॉफिट भी दे रहा था, मेरे को लॉन्ग टाइम में रखना है, कुछ मिलेगा इसमें क्या है। तो आप कोविड में आपने करीब करीब 25,000 शेयर खरीद लिए और तब से आप होल्ड कर रहे हो उसको? हाँ, तब से होल्ड है सर मेरे। ओके, इतनी बड़ी पोजीशन क्यों ली थी शर्मा साहब उस टाइम? क्या सर, मेरे को यही था कि 35-40 तक तो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था। ओके, तो सर्वेंद्र क्या करना चाहिए? इन्फीबीम करीब 23,000-24,000 शेयर इनके पास हैं, 22-22.5 रुपए के दाम पे, घाटा भी नहीं है, मुनाफे में ही है, लेकिन जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने कैपिटल होल्ड रखी हुई अपनी, उस पर उतना रिटर्न नहीं आया इतना आना चाहिए था, क्या करें? देखिए, ये उन चुनिंदा शेयरों में से है जो 2018 में हाई बना चुका, मिड कैप टॉप जब बना था, जब सारे मिड कैप, ऑलमोस्ट सारे मिड कैप टॉप एज अ ब्लैंकेट वहां पे एक टॉप बना चुके थे, तो ये वो स्टॉक है जो अब बिल्कुल वहां पहुंच ही नहीं पाया और उसके एकदम जिसको हम बोलते हैं वीक बाउंस, एक बहुत ही वीक बाउंस करके खड़ा है, उन एरियाज के आसपास कहीं पहुंच ही नहीं पाया है। थॉट यही है कि भाई देखिए, वीक कैटेगरी का स्टॉक है, मेरी राय तो उनको यही रहेगी कि चाहे तो बस एक 15-20 दिन महीना भर और उस ट्रेड को दें, अगर उसमें ये मोमेंटम पकड़ ले और उस मोमेंटम में इसको जो है तकरीबन 29-30 रुपए के लेवल निकालने हैं, तो अगर एक महीने में मोमेंटम डेवलप हुआ है, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है, अगर ये 1-1.5 महीने में 29-30 के लेवल्स को निकाल के खड़ा हो जाता है, तब तो कहीं इसमें रीरेटिंग होगी, टेक्निकल रीरेटिंग होगी मेरे हिसाब से, बट अगर वो नहीं हो रहा तो मैंने अभी जैसे पिछले दर्शक को बोला कि देखिए नेक्स्ट 9-12 महीने के लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा 29-30 के ऊपर जाएगा, और नीचे में जब आएगा तो दोबारा अपने लोअर लेवल्स को रिविजिट कर सकता है, तो 14-15 के लेवल्स दोबारा आ सकते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहें, और काफी बड़ी क्वांटिटी है इसलिए अलर्ट रहें, और डेफिनेटली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे जितना ये लॉस बेयर कर सकें उतना स्टॉप लॉस एक ट्रेलिंग लगा के इसमें चलें, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये साल थोड़ा भारी रह सकता है बाजार के लिए जी। तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें, थोड़ा कॉशियस रहें क्योंकि पोजीशन बड़ी है आपकी, लेकिन जो स्टॉप लॉसेस आपको बताए हैं सर्वे ने, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब